नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस किचन सिंक के इस कपलर का या फिर कपलिंग का जो है, मैं आपको इसे ओपन करके बताऊंगा किस तरह से ओपन करना है और किस तरह से फिट करना है, वो भी सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। तो ये बेसिकली सिंपल सा काम है, बट कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो देखिए, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये वेस्ट पाइप होता है। तो ये जो हमने सिंक ली थी, ये लगभग 6000 की सिंक थी, 5 या 6000 की, तो उसमें फ्री मिला था उसी के साथ। और इसमें एक वो जो सामान रखने का भी मिला था, वो अभी मेरे पास नीचे रखा हुआ है तो अभी फिलहाल नहीं है, और ये भी मिला था। तो चलिए देखिए, ओपन करना बिल्कुल सिंपल है। ये ऊपर का जो है, इसे ओपन करना है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो अरेंजमेंट है, ये पानी रोकने के लिए है। सो ये क्यों हुआ, देखिए ये जो सिंक है, इसको यदि आपको धोना है, ठीक है, इसे ऊपर से इस तरह से धोना है, तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसको लगाने के बाद क्या होगा, पानी जो है नीचे नहीं जा पाएगा, लॉक हो जाएगा पानी, और उसके बाद इसे निकाल के आप जो है पानी को नीचे डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी गंदा पानी रहेगा वो चले जाएगा, तो इसका एक काम होता है। तो देखिए, मैं इसे इसे घुमा रहा हूँ, तो ये छोटा सा यहाँ पे जो है निकल रहा है, उसके बाद इसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, तो इसको ऐसे अलग रख देते हैं। तो ये जो वॉशर्स वगैरह जो है, इसे बराबर रखना है आपको ताकि जो है लीकेज ना हो। तो देखिए, इसको साइड में रख दिया मैंने, तो इसको सिंपल ऐसे रख देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है आपको करना है कि ये जो पार्ट है स्टील वाला, ये स्टील वाला ऊपर लगेगा, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में लगेगा ये वाला स्टील वाला। और ध्यान रखिए, जब आप इस लगाओगे तो यहाँ पे थोड़ी यमसील भी लगा देना है ताकि पानी जो है नीचे लीकेज ना हो पाए। सो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी देखो, आपको ये स्क्रू घुमाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइट है तो मैं इसे घुमा लेता हूँ। पेचकस का आप यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे जो ये जो होल्स बने हैं, ये पेचकस का यूज़ करके आपको इसे घुमा सकते हैं, ठीक है। उसे घुमाने के लिए ये वो दिए हैं, तो इस तरह से आपको इसे घुमा लेना है। देखिए, एकदम चिपका हुआ था, मैंने अभी निकाला है इसलिए ऊपर मैंने रख दिया ताकि आज निकलने में आसानी हो। चिपका रहेगा तो आपको सिंपल पेचकस से ऐसे ऐसे ढकेलना है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अब स्क्रू निकल चुका है, इसको साइड में रख देते हैं हम। अब देखिए, ये निकलने के बाद ये आपका जो है अलग हो गया है। अब क्या करना है आपको, इसे इस तरह से लगाना है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एमसील आपको लगा देना है, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्टली लगाओगे तो आपका पानी यहाँ से लीकेज होगा, ठीक है। तो एमसील लगा के फिर इसको ऐसा रखना है, ठीक है, इस तरह से रख दीजिएगा आप। और अब ये जो पार्ट है, देखिए ये नीचे नीचे ये जो है, इसे बाद में किस तरह से कसना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वाला अब ये जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है, ये काला वाला, ताकि पानी लीकेज ना हो। पानी लीकेज होने से बचाता है, तो आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए नीचे का पार्ट है, तो नीचे के पार्ट में आपको सिंपल इस तरह से लगाना है, ठीक है। इस तरह से लगा लेने के बाद अभी हम ऊपर चलते हैं। सो इसे भी फिट कर लेते हैं, देखिए अच्छे तरीके से। सो मैं थोड़ा ओके, सो आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट हो चुका है। तो अभी क्या करना है आपको, इसके बाद ये जो स्क्रू है, ये वाला, इसे आपको यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। तो मैं फिट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अभी मैं लाइव नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है तो दूसरे हाथ में ये जो है। तो सिंपल कुछ नहीं, ये जो होल दिख रहा है आपको, ये जो मेरा, आप हाथ की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ इसे फिट करना है, ठीक है, ऊपर से। ओके दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने जो नट है वो फिट कर दिया है, ठीक है। आपको टाइट फिट कर लेना है और ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एमसील जरूर लगा लेनी है। कहाँ पे, ये जो कॉर्नर्स है इसको रखने से पहले थोड़ी सी एमसील लगा के फिर उसके बाद उसके ऊपर ये रखना है आपको। अभी फिलहाल मैंने नहीं लगाया है क्योंकि ये जो है बाद में मैं लगाऊंगा, अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे और एक जो अरेंजमेंट है, आप इसे लगा के रख सकते हैं, ये जो पानी रोकने का है, या फिर ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसे लगाना भी काफ़ी सिंपल है, ये जो पानी रोकने का है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लगाना है। सो ये जो आपको दिख रहा है, इसको नीचे से आपको यहाँ पे ऊपर लगाना है। सो ये जो बीच में जो होल है उसमें से आपको इस तरह से इसे ऊपर लाना है, और उसके बाद जो है आपको जो है ये जो वॉशर आपको रखना है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ओके, ये वाला, उसके बाद इसे रखना है,
और इसके बाद इसको ऊपर से कस देना है, ठीक है? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ लगा के। सो दोस्तों देख पा रहे होंगे ये जो है मैंने यहाँ पे ऊपर स्क्रू लगा दिया है, जिसे आप इस तरह से घुमा सकते हैं, ठीक है? सो जैसे लगा था वैसे ही लगाना है आपको, जैसे ऑलरेडी आपको आएगा वैसे। तो ऐसे आप इसे लगा देते हो, ठीक है? इस तरह से ऐसे लगा देते हो तो ये जो है आपका जो वाटर है वो लीक, सॉरी वाटर यहाँ से नहीं जाएगा और आप इस सिंक को जो है धो सकते। तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद वेस्ट पाइप को लगाना भी काफ़ी आसान है, आपको दिखा देता हूँ। नीचे आना है आपको और ये जो अरेंजमेंट दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे इसे ऐसे इस तरह से घुमा के जो है टाइट करना है। उससे पहले आप टेफ्लॉन यहाँ पे लगा लीजिएगा थोड़ा सा और उसके बाद कस लीजिएगा तो पानी लीक नहीं होगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।